चैप्टर नंबर 6 में नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। इससे पहले हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था कि एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट हैं जो के रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो अब हम आज पढ़ेंगे कि एंजाइम्स के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुन ने फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम। एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ने 1878 में फर्स्ट टाइम एंजाइम की टर्म यूज़ की थी, मतलब ऐसे प्रोटीन्स जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उन्होंने उनका नाम एंजाइम रखा था। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि ऑल बायोकेमिकल कैटलिस्ट, मतलब कि तमाम जो कैटलिस्ट हैं जो कि रिएक्शन स्पीड अप करते हैं बॉडी में, वो एंजाइम नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे बॉक्स में बताया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं ये भी रिएक्शन स्पीड अप करते हैं, लेकिन वो एंजाइम नहीं होते, उनमें एंजाइम्स के करेक्टर्स नहीं पाए जाते। इसी तरह एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन है, लेकिन तमाम प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएट करने की बात ये है कि तमाम एंजाइम्स प्रोटीन हैं, लेकिन तमाम प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। ठीक हो गया। अब हम जो है वो देखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दैट इज़ दे आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। तकरीबन तमाम एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन हैं, और प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है वो अमाइनो एसिड होता है। मतलब अमाइनो एसिड इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। जब अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स में अब ये होता है कि जो अमाइनो एसिड हैं वो चेन बनाते हैं, वो चेन्स बनाते हैं, और वो चेन्स आपस में फोल्ड होती हैं और वो 3D एक मॉलिक्यूल बनाती हैं जिसको हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, और वो एंजाइम का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह जो है अमाइनो एसिड से प्रोटीन की चेन्स बनती हैं और फिर वो एंजाइम की शेप देते हैं। जैसे कि इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें अमाइनो एसिड की चेन्स आपस में फोल्ड होकर ये स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि एंजाइम का स्ट्रक्चर है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट्स आर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर देन दोज कंपेरेबल अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस। एज विद ऑल कैटलिस्ट एंजाइम्स आर कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन, एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शंस दे कैटलाइज। जी, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो रिएक्शन हों, एक रिएक्शन ऐसा हो जिसमें एंजाइम यूज़ हुआ है और एक ऐसा हो जिसमें एंजाइम यूज़ नहीं हुआ, तो जिस रिएक्शन में एंजाइम यूज़ हुआ है, जिसमें एंजाइम ने कैटलाइज किया है रिएक्शन को, वो रिएक्शन मिलियंस टाइम फास्टर है देन उस रिएक्शन से जिसमें एंजाइम यूज़ नहीं हुआ। अब कैसे एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम जो है वो सब्सट्रेट के साथ कंबाइन होते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। हमने पढ़ा था कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करती है। तो अगर वो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी तो ज़ाहिर है कि रिएक्शन स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, देर लगेगी, लेकिन अगर वो एनर्जी कम होगी तो फिर टाइम कम लगेगा। अब एंजाइम सब्सट्रेट के साथ कंबाइन हुए और उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर दिया और इस तरह जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो गया। तो एंजाइम और सब्सट्रेट ने मिलके रिएक्शन जो है वो स्पीड अप एंजाइम की वजह से हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम में वो रिएक्शन जिसमें एंजाइम यूज़ हुआ है वो मिलियन टाइम्स फास्टर है देन नॉन एंजाइम रिएक्शन से।